है, पॉलिटिशियन हो या एक्सट्रीम रिलीजन कास्ट के पर्सन हो, वो सब बॉलीवुड को ही क्यों टारगेट करते हैं? आई थिंक कि बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, जो निर्देशक निर्माता हैं, हम लोग वल्नरेबल हैं, हम लोग सॉफ्ट टारगेट हैं, और इसलिए आपने देखा है कि पिछले 2 साल या 2.5 साल में लगातार, चाहे वो आज जो हुआ नाहिद के साथ, या जो जायरा के साथ हुआ, या जो आमिर खान साहब के साथ हुआ, या शाहरुख सर के साथ जो हुआ, या संजय लीला भंसाली के साथ, उनका कल सेट पे आग लगा दी गई अपेरेंटली, उनको मार पिटाई हुई उनके साथ, उनके सेट के ऊपर। आई थिंक कि दो चीज़ें, एक तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा ये कल्चर गुंडई का बढ़ रहा है और कोई रोक नहीं है उस पर, ऐसा लग रहा है, और दूसरा कि मुझे लगता है कि बॉलीवुड ने बहुत सालों तक बहुत चुप रहा है, हमें इतना चुप नहीं रहना चाहिए था, एंड आई थिंक अब वक्त आ गया है कि बॉलीवुड को एक आवाज़ करके ज़रा प्रोटेस्ट करना चाहिए इसके खिलाफ, क्योंकि आई थिंक इट्स अ रिडिकुलस सिचुएशन। आपको